So, 8th class students, so now this is your second video that is based on the solar system. So, solar system की मैं definition थानू समझाती सी. Now, let's start with the sun. So, sun क्या है? The sun is the nearest star from us. सानू भी पता है, starting च मैं कल थानू read करवाया सी कि sun भी एक star है. ये सानू bigger क्यों दिखता है? Because ये साढ़े close है अर्थ दे. सो इट इज कंटीन्यूअसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. सो इहदे विचों कहिंदे बहुत ज्यादा लाइट एंड हीट निकलदी आ. सो द सन इज अ सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ. सो सन एक सोर्स आ एनर्जी दा जो सारी अर्थ नूं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जिदों असीं यूज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स च. सो इन फैक्ट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स. सो सन इज द मेन सोर्स, ए मेन सोर्स आ लाइट एंड हीट द सारे प्लैनेट्स लई. द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट हैव लाइट. सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्लैनेट. सो प्लैनेट कहिंदे स्टार्स जरूर हैगे नहीं बट ए कोई भी लाइट अमिट नहीं करते, ठीक है. सो दे मेयरली रिफ्लैक्ट सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम. ओही लाइट रिफ्लैक्ट करते ने जो सन उन्हां ते पौंदा है, ठीक है. सो कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार, की तुसी डिफरेंशिएट कर सकते हो कि केड़ी चीज प्लैनेट है ते केड़ी चीज स्टार्स है. द सिंपलेस्ट मैथड ऑफ आइडेंटिफाई, सिंपलेस्ट मैथड की आइडेंटिफाई करन दा, कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं एंड प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते. ट्विंकल मतलब चमकना, ओके. सो ऑल्सो द प्लैनेट कीप चेंजिंग दियर पोजिशन. प्लैनेट हमेशा अपनी पोजिशन चेंज करते रहते ने बट विद रिस्पैक्ट टू स्टार, स्टार्स नैके प्लैनेट अपनी पोजिशन चेंज करते रहते ने. सो आ प्लैनेट हैज अ डेफिनेट पार्थ इन विच इट रिवॉल्व अराउंड द सन. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड ऑर्बिट. सो कहते जिम्मे प्लैनेट्स आ एक डेफिनेट पार्थ, पार्थ मतलब बेटा रस्ता. सो एक डेफिनेट पार्थ च सन के आले दुआले घूमते रहते ने एंड जो आ सर्कल तुसी देख रहे हो, ठीक है, जिस अलाइनमेंट से मूव करते पे ने उन्होंने की बोलते ने, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट. उन्होंने क्या बोलते ने? ऑर्बिट. सो द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक चक्कर कंप्लीट करन च जिन्ना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड एट पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. दैट इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. सो द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इंक्रीज एज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट इंक्रीज फ्रॉम द सन. डिस्टेंस इंक्रीज हुंदा जाएगा ते रेवोल्यूशन भी बढ़ती जाएगी, ठीक है. सो नेक्स्ट इज बिसाइड रिवॉल्विंग अराउंड द सन द प्लैनेट ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस. कहिंदे डेफिनेटली अर्थ सन दे आले दुआले प्लैनेट मूव करता है बट कहिंदे मूव करन दी बजाय, ठीक है, मान लो कि मूव कर रहे ते आप भी रोटेट करके मूव कर रहे, आप भी रोटेट करके, ये आप भी रोटेट हो रहे हैं एंड मूव कर रहे. इट मीन्स जिवे अर्थ अपने भी चक्कर ले रही है और सन दे आले दुआले भी ला रही है. सिमिलरली जो बाकी प्लैनेट्स है वो भी सेम मैथड ही करते हैं. सो द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करने ते जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रोटेशन. दैट टाइम इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रोटेशन. सो सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव मूनस एंड सैटेलाइट. कुछ प्लैनेट्स को अपने मून भी है, सैटेलाइट्स भी है ने, एंड सेलेस्टियल बॉडी, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज भी है ने जो आसे पासे मूव कर दिया ने, दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट, ठीक है. सो कुछ सैटेलाइट नेचुरल ने, दैट इज मून, एंड कुछ सैटेलाइट जो ह्यूमन मैनमेड जो भेजे गए ने. सो अर्थ कैन बी सेंड टू बी सैटेलाइट ऑफ द सन, थो जनरली वी कॉल इट अ प्लैनेट ऑफ द सन. सो वी यूज द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट. सो जो मूविंग बॉडी मूव कर दिया ने प्लैनेट के आले दुआले असीं उन्हां नूं सैटेलाइट्स बोलते हैं. सो मून एक सैटेलाइट आ अर्थ का, जिवें साडा जो मून है वह एक सैटेलाइट है अर्थ का. सो देयर आर मैनी मैनमेड सैटेलाइट, कुछ मैनमेड सैटेलाइट्स भी ने जो अर्थ के आसे पासे मूव कर रहे ने. सो दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. इन्हों नूं असीं की बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जो ह्यूमन मेड ने, मैन मेड ने, नैचुरली नहीं प्रेजेंट हैगी. क्लीयर. सो नैक्सट इज फर्स्ट प्लैनेट डिस्कस करन जा रही है, दैट इज मरकरी, जिन्हों असीं क्या बोलते हैं? बुद्ध. ओके. सो द प्लैनेट मरकरी इज नियरस्ट टू द सन. सो प्लैनेट मरकरी सन दे बहुत क्लोज आ,
It is the smallest planet of our solar system, smallest planet because Mercury is very close to Sun. Sun de काफी close होने करके सानू बहुत छोटा दिखता है. So it is very difficult to observe it as most of the time असीन observe नहीं कर पाते because Sun की रोशनी देनाल glare of the Sun मतलब Sun की रोशनी देनाल ये hidden छिप दांदा है. So however it can be observed just before sunrise or just after sunset. ये सूरज चढ़न तो पहला ज्यादा दिखता है या सूरज छिपन तो बाद. ठीक है. सो इट इज विजिबल ओनली एट प्लेसेस वेयर ट्रीज और बिल्डिंग डू नॉट ऑब्स्ट्रैक्ट. सो ये उत्थे दिखता है जिथे होरिजोन होरिजोन मतलब समझाया है कि अर्थ दे जो होरिजोन लेवल आ. ठीक है, लाइक ए अर्थ. सो जो ये होरिजोन लेवल आ इहदा आ होरिजोन लेवल आ. सो जो मान लो कि इत्थे इत्थों चढ़ रहा है इत्थों छिप रहा है तो होरिजोन ते कोई बिल्डिंग ना हो ट्री ना हो फिर ही तुसी देख पा रहे हो. मरकरी कोई अपना सैटेलाइट नहीं हैगा. ओके, आफ्टर दैट आ गया वीनस जिन्हों से शुक्रा भी बोलते हैं. सो वीनस इज अर्थ नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर. सो अर्थ दे लागे वाला जो प्लैनेट है दैट इज वीनस. सो इट इज अ ब्राइटेस्ट प्लैनेट. सो समटाइम वीनस अपेयर इन द ईस्टर्न स्काई. ईस्ट साइड तो सानू ये दिखता है सनराइज होने तो पहला. ठीक है, सूरज निकलन तो पहला. सो समटाइम्स इट अपेयर इन द वैस्टर्न स्काई. कुछ टाइम सानू वैस्टर्न स्काई वाल दिखता है सनसैट तो बाद. सो देर इट इज ऑफन कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार. सो मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोलते हैं. इट मीन्स द क्वेश्चन इज वट विच प्लैनेट इज कॉल्ड अ मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार दैट इज वीनस जिन्हों शुक्रा. सो वीनस हैज नो मून और सैटेलाइट. सो वीनस कोल भी कोई अपना मून एंड सैटेलाइट नहीं हैगा. ठीक है, नाउ द अर्थ नेक्स्ट प्लैनेट इज अर्थ जिन्हों पृथ्वी बोलते हैं. सो द अर्थ इज ओनली वन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नॉन एज एग्जिस्ट. सो अर्थ एक कला ही प्लैनेट है जिथे हाले तक लाइफ एग्जिस्ट कर रही है. सो सम स्पेशल एनवायरमेंट कंडीशन कुछ है जिदे करके लाइफ एग्जिस्ट हो रही है लाइक ऑक्सीजन है वाटर है. ठीक है, सर्वाइवल दे लिए जो जो चाहिए वो प्रेजेंट दैट्स वाई इत लाइफ है. सो That it has a right temperature हैगा pressure हैगा water हैगा atmosphere blackened of a ozone layer जो सानू protect करती है sun rays तो. From space the earth appears blue green color. सानू blue green color का दिखता है reflection of light करके. ठीक है, and the axis of rotation of earth is not perpendicular to the plane of its orbit. So कहते जोड़ी दी axis है perpendicular नहीं हुंदी earth दी. So the tilt is थोड़ी tilted हुंदी है like tilted इदा होनी चाहिए है बट थोड़ी टिल्टिड होंगी एक्सिस. ठीक है, सो द अर्थ हैज ओनली वन मून. सो अर्थ दे कोल सिर्फ एक ही नेचुरल मून है. ठीक है, सो नेक्स्ट इज मार्स. सो मार्स में असि बोलते हैं मंगल. सो द नेक्स्ट प्लैनेट द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ. अर्थ की ऑर्बिट तो जो बाहर है प्लैनेट वो केड़ा हैगा है मार्स. सो इट अपीयर स्लाइटली रेडिश रेडिश कलर का होंगे है. ठीक है, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट भी बोलते हैं. एंड इट को टू स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट ने दो छोटे छोटे सैटेलाइट्स ने. ठीक है, सो टूडे वी आर डिस्कस अबाउट द सोलर सिस्टम एंड कॉन्स्टिलेशन डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिलेशन एंड सम ऑफ द प्लैनेट्स दैट इज मर्करी वीनस अर्थ एंड मार्स. सो आई सेंड यू सम फ्यू क्वेश्चन. सो डू दैट क्वेश्चन ऑन योर साइंस नोटबुक नीट एंड क्लियरली एंड रिवाइज एंड रीड दिस चैप्टर वाइल वॉचिंग द वीडियो. Thank you and have a nice day.